अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, मैं हूँ आपकी शमीम। आज हम बनाने वाले हैं मशरूम करी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। देखिए, ये नाटी मशरूम्स हैं, जो नेचुरल मशरूम आते ना वो है। ये खेतों में उगते हैं। ये इसको अच्छे से धोना चाहिए, इसमें मिट्टी ज़्यादा रहती, ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, इसलिए ये खाते। देखिए, ये लंबे लंबे हैं ना, इसको आधे से कट कर देना चाहिए। एक्चुअली इसे मैं 5 टाइम धोई, इसमें मिट्टी ज़्यादा रहती, अच्छे से रगड़ कर नीट से धोना चाहिए। देखिए, इस तरह कट कर ली हूँ मैं, कितना साफ़ हो गया, देखिए वाइट हो गया। इस तरह धोना चाहिए। थोड़ा नमक में भी स्टार्टिंग डालकर रख दी थी मैं। इस तरह कट कर लीजिए, वो नीचे का पार्ट लंबा रहता ना, वो कट करके थोड़ा आगे तक का रख लेकर इस तरह कट कर लेना चाहिए। इसको थोड़े इसमें खिले हैं, थोड़े नहीं। देखिए, थोड़े मसाले बताऊंगी। एक बड़ी प्याज कट कर ली, 2 टमाटर्स डाल रही हूँ, थोड़ी हरा धनिया। इसमें मैं एक जार लेकर ये टोमेटोस और हरा धनिया और थोड़ी प्याज डालकर ग्राइंड कर लूँगी। यह हरा धनिया और थोड़ी प्याज डालूँगी, थोड़ी रख लूँगी ऐसे ही। बड़ी प्याज थी एक, इसे अच्छे से ग्राइंड कर ली। ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। ये देखिए, अब एक कढ़ाई रखी इसमें चूल्हे पर और थोड़ा ऑयल डालूँगी, 4-5 टेबल स्पून ऑयल डालूँगी और थोड़ा घी भी डालूँगी मैं। ये करी बहुत अच्छा रहता, थोड़ा घी डाल रही हूँ, देखिए प्योर घी है। अब इसमें एक चकले का पीस डालती हूँ, जो खड़े गरम मसाले आते ना उसमें एक डाल रही हूँ, देखिए। और एक तेज़पत्ता डालूँगी और वो आनियन था ना प्याज, वो डाल रही हूँ। इसको अच्छे से सॉटी कीजिए ऑयल में, अच्छे से तल लीजिए। ये करी बहुत अच्छा रहेगा, देखिए ये अच्छे से ये हो गया। अब इसमें मैं 1/2 टेबल स्पून अदरक लहसुन डालूँगी। मशरूम थोड़े ही है ना, इसलिए 1/2 टेबल स्पून डाली। मशरूम की क्वांटिटी के बराबर ये डाल लीजिए। थोड़ा सा हल्दी, 1/4 टेबल स्पून हल्दी डाल रही हूँ। 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च भी डालूँगी। थोड़ा देखिए, इतना सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब इसको अच्छे से सॉटी कीजिए, अच्छे से मिक्स कीजिए। ऑयल में डालेंगे तो मिर्च कलर अच्छा आएगा, देखिए इस तरह डाली। अब इसमें धनिया पाउडर 1 स्पून डाल रही हूँ। इसको भी अच्छे से मिक्स कीजिए। ये नाटी मिले तो मैं बना रही हूँ, आपको बाहर भी मिल जाएंगे ना, पैकिंग में रहते उससे भी बनाए जाओ। थोड़ा सा सॉल्ट डालिए, टेस्ट के अनुसार डालिए। अब ये मशरूम डाल दीजिए इसमें, सारे मशरूम डालकर अच्छे से इस मसाले में मिक्स कीजिए, अच्छे से मिक्स कीजिए इस तरह। थोड़ी देर, 1-2 मिनट्स अच्छे से मिक्स करके तल लीजिए। अब जो मसाला मैं पीसी थी ना वो डाल रही हूँ, टोमेटोस, हरा धनिया और प्याज, वो सारा डाल रही हूँ इसमें। और थोड़ा पानी भी डालकर जार में डाल लीजिए, अच्छे से धोकर जार को। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, थोड़ा पानी डालकर, और थोड़ा पानी भी डालकर थोड़ी देर पकने रखिए इसको, 5 मिनट्स। देखिए इस तरह वो गलना चाहिए ना, इसलिए अच्छे से, देखिए गल गया, गल रहा है। अब देखिए, यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला डाल रही हूँ, जो घर का बना हुआ रहता है ना गरम मसाला, वो डाल रही हूँ। अच्छे से मिक्स कीजिए, देखिए इस तरह अच्छे से मिक्स कीजिए और थोड़ी देर 5 मिनट्स पकने रखिए इसको। अब देखिए, यहाँ पे मैं सूखा खोपरा आता ना, सूखा नारियल का, उसका 1 टेबल स्पून उसका पाउडर डाल रही हूँ। इसमें सूखे खोपरे का पाउडर डालिए, बहुत अच्छा रहेगा।
नहीं तो आप मिक्सी में पीस लीजिए आपके पास, नहीं तो पाउडर, नहीं तो मैं बना के रख ली थी वो डाली। सूखा नारियल डाले तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसमें, जस्ट लाइक ये नाटी मुर्गी रहता ना इस तरह का करी आ जाएगा ये, इसका टेस्ट भी वैसे ही रहेगा। थोड़ी देर ढककर एक 10 मिनट्स तक पकाइए, बीच बीच में हिलाकर 10 मिनट्स तक पकाइए। वो मशरूम थोड़े नरम होना चाहिए। अब देखिए ये पक गया अच्छे से, अच्छी सी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, जैसे चिकन बनाते ना इस तरह की खुशबू आ रही है इसमें। करी भी वैसा ही रहेगा, नाटी चिकन बनाते ना उस तरह रहेगा। देखिए और थोड़ी देर पका ली मैं, अब देखिए पक गया है माशाल्लाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप इसे घर में वाइट राइस के साथ, रोटी के साथ भी खा सकते हो। थोड़ा हरिया धनिया कट कर डाल रही हूँ देखिए, और थोड़ा लास्ट में, देखिए पक गया, कितना अच्छा लग रहा है देखिए। ये बहुत हेल्दी भी है। तो आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हाँ, इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कर सकते हो और अपने रिव्यूज़ मुझे भेज सकते हो। थैंक यू।